बड़वानी जिले में वैष्णो देवी मंदिर भंडारा स्थल पर आज कैबिनेट मंत्री सहित सांसद और राज्यसभा सांसद के साथ रेवा कुंज क्लब ने पौधारोपण किया और मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने 10 लाख रुपए विधायक निधि से देने की घोषणा की है। वैष्णो देवी मंदिर समिति और नगर पालिका के द्वारा वैष्णो देवी भंडारा स्थल जो पहाड़ी पर स्थित है, आज कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल सहित सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी और रेवा कुंज क्लब के द्वारा 70 पाम के 12 फीट ऊंचे पौधे लगाकर इसे खूबसूरत स्पॉट बनाने की दिशा में शुरुआत की है। इस स्थान पर एक अच्छा पार्क है जिसमें करीब 250 और पाम के पौधे लगेंगे, साथ ही 20 फुट का वॉकिंग टैंक बनाया जाएगा। बड़वानी से अतुल कुमार की रिपोर्ट। लोगों को करना है और इसलिए मैं इस अवसर पर पूरी वैष्णो देवी मंदिर समिति को भी और उनके साथ जितने रोपण का कार्यक्रम हमारा घोषणा की है। देखो, हम लोग तो चाहते हैं कि बड़वानी एक अच्छा सुंदर दिखे, इसलिए हम लोग सब मिलकर अच्छा काम करना चाहते हैं। घोषणा क्या है, मतलब घोषणा तो एक नाम होता है, सभी लोग सहयोग करते हैं, अच्छा काम होता है और अच्छा काम करना चाहते हैं। कितना लाख की घोषणा है? अभी हम लोगों ने 10 लाख की विधायक निधि से घोषणा की है। आज धोबड़िया तालाब के सामने एक पहाड़ी वाली जो ज़मीन थी, जिसमें 25 वर्षों से भंडारा समिति के द्वारा इस पहाड़ी को काट करके धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा था, इस पहाड़ी पर एक बड़े सुंदर गार्डन की परिकल्पना की गई है। इस गार्डन में बड़े बड़े पाम के पौधे लगा करके बीच के एक एकड़ की जो भूमि उसमें पूरा ग्रीन ग्रास लगा कर बाहर की तरफ 15 फीट का वॉकिंग मार्ग बनाया जा रहा है, जिसमें बड़वानी शहर के लोगों के लिए जागस पार्क के अतिरिक्त एक नए पार्क की सौगात मंदिर समिति वैष्णो देवी और नगर पालिका के संयुक्त सहयोग से दिया जा रहा है। आज माननीय मंत्री श्री प्रेम सिंह जी पटेल के साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह जी सोलंकी एवं सांसद खरगोन बड़वानी श्री गजेंद्र सिंह जी पटेल, कलेक्टर बड़वानी श्री शिवराज सिंह जी वर्मा और हमारे मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री ऋतुराज और वन मंडलाधिकारी श्री अनुपम सहाय के साथ यहाँ पर बड़वानी के गणमान्य नागरिकों के द्वारा पौधारोपण के कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।